नमस्कार, मैं हूं गोविंदा गोला। 24 टाइम में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के खास। कुर्ला नेहरू नगर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की एक जोरदार शुरुआत। भाजपा वरिष्ठ नेता श्री नवाब मलिक जी ने फूका चुनावी। जी हां, 174 कुर्ला विधानसभा राष्ट्रवादी कांग्रेस के जनसंपर्क कार्यालय का आज उद्घाटन समारंभ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के वरिष्ठ नेता दिग्गज श्री नवाब मलिक, तानिक नगर सेवक कप्तान मलिक जी और कॉरपोरेटर डॉक्टर सईदा खान की उपस्थिति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के दिग्गज नेता श्री नवाब मलिक जी ने यहां इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। डॉक्टर ज्योत्सना अनिल जाधव ये फिलहाल महाराष्ट्र प्रदेश के राकपा चिटनीस हैं और इन्हीं के लिए यह जनसंपर्क कार्यालय की शुरुआत की गई है। हालांकि पेशे से डॉक्टर होने की वजह से क्षेत्र के सामान्य जनता से जुड़े रहने का सौभाग्य मिलता ही रहा है। ऐसे में राष्ट्रवादी पक्ष ने उनके जनसंपर्क कार्यालय के शुरुआत कर आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने पक्ष की तरफ से उनकी दावेदारी लगभग तय कर दी है। जानिए जनता की जवाबदारियों के बारे में श्री नवाब मलिक ने क्या प्रकाश डाला। जो पहले नेहरू नगर था, कुर्ला विधानसभा बड़े पैमाने पे उसमें आ गया। पूरी ताकत से लगकर हम लोग इस विधानसभा से कम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ी बढ़त बनाने का काम करेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम यहाँ पे माजी थे, आजी थे, आजी बने तो बनवाया हम लोगों ने, लेकिन माजी बने तो अपने कर्मों से बन गए। जीत के आया हुआ आदमी अगर बुरी तरह हार जाए तो नवाबई में हम हमेशा कहते हैं कि कप्तान हमारे भाई है और नवाबई हमारा पिता है। श्री नवाब मलिक ने डॉक्टर ज्योत्सना जाधव की उम्मीदवारी की घोषणा की। राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस की चिटनीस डॉक्टर ज्योत्सना जाधव के कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। इस कार्यालय के माध्यम से कुर्ला विधानसभा क्षेत्र में जनता की जो भी समस्या होगी, हमें उम्मीद है कि इस कार्यालय के माध्यम से डॉक्टर ज्योत्सना जाधव तमाम कोशिश करके लोगों के मसले को हल करने का काम करेगी और साथ में पार्टी का संगठन कैसे आगे बढ़े उसके लिए भी इस कार्यालय से आगे काम करने का काम किया जाएगा। एक कार्यालयाचं उद्घाटन होतं, पनिटके सारे लोक आले आणि आम्हाला आशीर्वाद दिला। मी धन्यवाद करते। ही सुरुवात आहे आणि इथून पुढे कुर्ला विधानसभेच्या प्रत्येक माणसासाठी काम करण्याचा आमचा इरादा आहे। जे पण समस्या जितक्या पण मोठ्या असतील किंवा छोट्या असतील, आम्ही त्याच्या मुळापर्यंत जाऊन त्या खतम करण्याचा प्रयत्न करू, त्याची प्रयत्न आम्ही करू। हम कितनी आपके लिए जो आपको चुनौती दिया गया है, कितनी चैलेंजफुल है, कितनी किस तरह से आप उसके लिए खड़े हुए? चैलेंज ये है मेरे लिए कि मेरा कोई पॉलिटिकल वैसे देखा जाए तो बैकग्राउंड में सीधी साधी डॉक्टर हूँ। अभी तक मैंने एज ए डॉक्टर मेरा जो काम है मैंने पूरी दिल से किया है। अभी एक बहुत बड़ी चुनौती ये है कि राजकीय इसमें जाकर बहुत सारे विरोधियों के सामने काम करना चुनौती है, लेकिन मुझे मालूम है कि अगर आप अच्छे दिल से काम करते हो और लोगों का सही में दुख समझकर काम करते हो तो कोई भी चुनौती आपके सामने खड़ी नहीं रह सकती। शिवसेना बीजेपी का युति हो गया है, पहले था कि युति नहीं होगा तो ऐसे जीतेंगे नहीं जीतेंगे, अब उनकी युति हो गई है तो कितनी इलेक्शन कितनी आप एनसीपी के लिए चैलेंज? मुझे एक ऐसे लगता है कि पक्ष एक चीज है लेकिन अभी मतदार थोड़े सुजान हो गए हैं कि वो पार्टी की तरफ नहीं देखेंगे। आपने देखा है कि भाजपा सेना का वो झगड़ा चल रहा था और अभी कुर्सी के लिए वो लोग साथ में आए हैं। जनता इतनी जनता को इतना उल्लू भी नहीं बना सकते कि आप पहले एक दूसरे के खिलाफ विधान करते हो और अभी तुमको सत्ता चाहिए तो वापस एक साथ आते हो। और दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि कहीं ना कहीं अब मतदार
मतलब जो नेता है उनका उसकी तरफ भी देखेंगे कि नेता कितना समझदार है, नेता कितना सीखा हुआ है, करप्ट है या नहीं। तो वो भी एक बात है कि अगर वो जो खड़ा रह रहा है उम्मीदवार उसकी तरफ देखेंगे तो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है जीत के आना। ऐसे देखा जाए तो आज बहुत पब्लिक आई आपके वहाँ और बहुत सपोर्ट आपको अच्छे से अच्छा मिला है, सभी का योगदान रहा है। आज इतने लोगों ने आपके साथ में सपोर्ट किया है तो उनके बारे में क्या बोलना चाहोगे? शहीद लोगों के लिए आपने एक बैनर भी लगाया है, शहीद जयंती भी जो बोलते हैं अपने उसके लिए भी बोलते हो, कहने का मतलब आज इतने लोग अपने शहीद हुए उसके बारे में क्या बताओगे? पहली बात तो यह है कि इतने सारे लोग, मुझे नहीं लगता है कि मेरी वजह से है, ये लोग हैं नवाब मलिक साहब की वजह से, कप्तान भाई की वजह से और डॉक्टर सईद आपा की वजह से कि उन्होंने एक मकाम कायम किया है। उनको प्रेम दर्शाने के लिए वो है और उम्मीद करूंगी कि ये प्यार मुझे भी मिलता रहे और मैं भी उनके रक्षा कदम पर जैसे मैंने कहा कि मैं चलने की कोशिश करूंगी। मैडम आपसे आखिरी सवाल, हाँ, कि अभी आप अपना जनसंपर्क अभियान कैसे और कहां कहां चलाएंगे क्योंकि आपका विधानसभा भी काफी है? जनसंपर्क अभियान मैं एक्चुअली लोगों के बीच जाना चाहूंगी, जैसे समस्या, जैसे अभी मैं डॉक्टर हूँ, मेरा क्लिनिक ठकरप्पा कॉर्नर पे है तो मुझे मालूम है कि वहाँ की बेसिक समस्या क्या है, एटलीस्ट वो एरिया की। जन सामान्य जनता की आवाज बनने के लिए जरूरी है कि वहाँ की प्रमुख समस्याएं। डॉक्टर ज्योत्सना भले ही इस क्षेत्र में नहीं है लेकिन समाज कार्य और यहाँ के लोगों के साथ जमीनी व्यवहार के रूप में इन्होंने लोगों का दिल जीता है। को देखने के लिए बने रहे 24 टाइम के साथ।